भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम चो मजामा भाई लोग, अपुन ने गैंग्स ऑफ पोरबंदर की बुलटू पट्टा की कहानी सुना डाली। तुम लोग ने प्यार भी बहुत ही दिएला। गैंग्स ऑफ पोरबंदर में बड़े बड़े दादा लोग हुए ले। अपुन ने संतोख बेन जडेजा, शरमन मुंजा जडेजा के ऊपर भी वीडियो बनाया ला। बीड़ू आज वोइज पोरबंदर के एक और दादा की बात करना मन था। बोले तो भीमा दुला ओडेद्रा। दादा का स्टाइल एकदम इच देसी, मगर इतना डेंजर की बिना हथियार के सामने वाले के कलेजे को चटनी बना डालता। दादा का अपना स्टाइल था, वाइट कपड़ा, लंबी लंबी मूछ, मत्थे पे पगड़ी, चित्ते की चाल चलता। बोले तो एकदम इच पैंथर माफिक। भाई लोग भीमादुला ओडेद्रा ने जब गैंग्स ऑफ पोरबंदर में एंट्री मारी तो भोकाल मचा डाला था। ट्रांसपोर्ट से लेकर खनन के धंधे पे एक छत्र राज कियेला। बीड़ू ये वही भीमादुला ओडेद्रा है जिसने पोरबंदर की जडेजा फैमिली को टक्कर दिए ली। बीड़ू अपुन का बोलने का फंडा कुछ अलग है, मगर अपुन किसी लौंडे को अपराध से प्रेरित नहीं कर रहे ला। सो मगज में कोई फालतू का लपड़ा नहीं करने का, कहानी सुनने का सुन के दिमाग से निकाल देने का। जिगर के छल्लो यहाँ कहानी है गुजरात के तटवर्तीय कस्बे की, बोले तो पोरबंदर की। तो पहले पोरबंदर का थोड़ा हिस्ट्री जानना मंग था। बीड़ू आज का पोरबंदर कालांतर में एक राज्य हुआ करता था जिसकी नींव रखी गई सन 1193। 1307 में इस राज्य का नेम बदलकर राणपुर रखा गया। 1575 में बदलकर छाया किया गया और 1785 में फिर से पोरबंदर नेम आया। बीड़ू अब शुरू करे पोरबंदर के उस दादा की कहानी जिसका नाम सुन के अक्के पोरबंदर में कई बड़े बड़े भावलोग के पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है। भाई लोग पोरबंदर के बारे में कहा जाता है कि पोरबंदर बोले तो अहिंसा की नगरी, यानी बापू का लैंडमार्क। मगर 60 के दशक से वो ही अहिंसा की नगरी में हिंसा ने एंट्री की है ली। फिर 60 का दौर आते आते शरमन मुंजा ने अक्के पोरबंदर में अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। इसी दौर में पोरबंदर के मछुआरों ने भी पोरबंदर की सड़कों पे खून की नदियां बहाई। वहीं इक्कू गगन जैसे बड़े बड़े भावलोग भी उभरे। मगर शरमन मुंजा के मर्डर से पोरबंदर अपराध जगत में एंट्री हुए ली संतोख बेन जडेजा की। अब 90 का दौर शुरू होएला। संतोख बेन की जामदाम दंड भेद की नीति तांडव मचा रहेली। बड़े बड़े गुंडे मवाली से लेकर बड़े बड़े चच्चा लोग, बोले तो नेता लोग उसको सलाम ठोकने लगे थे। मगर अब आने वाला था भोकाल, और उस भोगाल का नाम था भीमादुला उड़ेदरा। दरअसल संतोख बेन ने एक बड़ी गैंग खड़ी कर दी है। बीड़ू पोरबंदर यानी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ की भूमि यानी सोने का गढ़, यहाँ की जमीनों में चूना पत्थर, बॉक्साइट, चोक जैसी कच्ची मेटल निकलती, जिस वास्ते यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने आती। संतोख बेन ने इन सारे धंधों पे अपना साम्राज्य कायम कर डाला। दूसरी ओर 1995 में गुजरात में भाजपा की सरकार बनी, मगर पोरबंदर में संतोख बेन को टक्कर देने वाला कोई ना था। तो बस एक किच बंदा था भीमादुला ओडेद्रा, जिस वास्ते भाजपा ने भीमादुला ओडेद्रा को एक बनाया पड़ा हत्या, जिसके चलते भीमादुला ओडेद्रा का भाईजान, बोले तो करसन दुला ओडेद्रा ने भाजपा की ओर से कुतियाना विधानसभा चुनाव जीता। अब भाई राजनीति में घोसे लागी। इधर भीमादुला ओडेद्रा ने पोरबंदर में इन सारे धंधों पे डंका बजाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी ओर भीमादुला ओडेद्रा की मौसी का छोकरा और भीमा का भाईजान, बोले तो बाबू बोखिरिया ने भी पोरबंदर से चुनाव लड़ा और जीता, जिसके चलते बाबू बोखिरिया और भीमादुला ओडेद्रा ने धीरे धीरे करके कुतियाना और राणावा में बोक्साए, चूना और कोक पर अपना एक छत्र कब्जा जमा लिया। बीड़ू कुछ लोगों का मानना है कि अक्के पोरबंदर में इन सारी खनिज खदानों से सालाना 1000 करोड़ रुपये की खनिज की चोरी हो रही, और जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए वह पैसा इन लैंड माफिया की पॉकेट में जा रहेला। खैर इन बातों पे कितनी सच्चाई है यह अपन नहीं कह सकता। अब माहौल यह था कि भीमादुला ओडेद्रा की अक्के पोरबंदर में तुट्टी बोलने लगी थी। दूसरी ओर मेयर बिरादरी से उसे बहुत ही प्यार मिला। मगर अब कुछ ऐसा होने जा रहेला जिसने भीमादुला ओडेद्रा की आने वाली अक्की जिंदगी को अंधकार की ओर धकेल दिया। साल था 2004। किसी अनबन के चलते भीमादुला ओडेद्रा और उसके भाइनों करसन कारावद्रा ने मिलकर आदित्याना में संधि मुस्लिम बाप बेटे यानी इस्माइल हुसैन मुंद्रा
और यूसुफ इस्माइल मुंद्रा को सरेआम गोलियों से छल्ली कर डाला। इस केस में 2007 में गुजरात हाईकोर्ट ने भीमा दुला और कारावद्रा को आजीवन कारावास की सजा सुना डाली, मगर 2-3 साल पहले ही दोनों को जमानत मिली। एक दिन भीमा दुला ओडिद्रा किसी शादी में था। जब शादी से लौट रहे था तभी सलीम इस्माइल उप टिट्टी नाम के एक बंदे ने भीमा दुला ओडिद्रा के ऊपर गोली चला दी। बीडू ये सलीम और कोई नहीं बल्कि इस्माइल हुसैन मुंद्रा का भाईजान था, जो बाप का भाई का बदला लेने आया था। खैर भीमा दुला ओडिद्रा तो बच गया था और आज भीमा दुला ओडिद्रा अपने समाज के कार्यों में लग गया था। वीरे ये थी भीमा दुला ओडिद्रा की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।